सुना है जाल बुनवाए गए हैं रेशम दो, जागते रहना शिकारी आने वाले हैं, परिंदों जागते रहना। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू साल जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय महेंद्र पांडे जी मंत्री रहे हैं राज्य के अंदर, लेकिन जब गिरिडीह के अंदर कहने का मतलब है गीत लिखने वाला पसंद करते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। मौके माननीय कांग्रेस आई के युवा विधायक पी माथुर जी को मंत्री बनाकर आपके बीजेपी को बेच दिया और जेवीएम बना दिया। जब जेवीएम में माथुर थे जिन्होंने 1955 को लेकर के विधेयक पारित होता है, और आज वो डुमरी में राज्य में और ग्रीड में एक भी प्रधानमंत्री आवास सर्वे कर रही थी उस समय। जगन्नाथ माँ तो अमर रहे। मानना सारे कार्यकर्ताओं को उस रोड शो में क्रम में उपस्थित हुए डुमरी विधानसभा के, लेकिन आज ये उपचुनाव हमें क्यों देखना पड़ रहा है ये जरूर सोचना हो, क्योंकि चुनाव एक दिन के लिए नहीं होता है। चुनाव 5 साल के लोग हम लोग अपने विधायक सांसद मुखिया जिला परिषद चुनते हैं। आज क्या परिस्थिति आ गई कि आज डुमरी विधानसभा का लोग फिर से चुनाव देख रहा है 5 साल से पहले। आज चुनावी सभा के दौरान आज इस मंच में खालीपन सा है, इतने बड़े सारे नेता लोग के साथ हम लोग मौजूद हैं, फिर भी एक कमी है, और वो कमी हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी। उस यमराज से लड़कर के उनको बचा तो लिए थे, लेकिन आपके प्यार ने उनको आपके बीच में इतने तकलीफ भरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहने का उनका ये आप लोग के प्रति प्यार आज उसका परिणाम है जो हमारे बीच में है। आज उन खुरफात लोगों को भी आपको पहचानना है। 2019 के पहले का मंजर देखिए, हर चौक चौराहे में यहां पर मुसलमान भाइयों को मॉब लिंचिंग के नाम पर किस तरीके से मारा जाता था, और 2019 के बाद देखिए एक भी मॉब लिंचिंग कहीं हुई है। 2019 से पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूखा मरा है, मॉब लिंचिंग से लोग मरा है, इनके हिंदू मुस्लिम के आग में लोगों के घरों के घरे उजाड़ी है। और आज 2019 के बाद आप कभी ऐसा मंजर 2019 से पहले नहीं देखे होंगे, जब हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग जहां हम काम करते हैं, जहां इस राज्य के जनता के लिए नीति निर्धारण करते हैं, वहां पर आज 2019 में के बाद से आज तक अनगिनत बार लोग कर्मचारी आम नागरिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पारा शिक्षक हमारे सरकारी कर्मचारी ढोल नगाड़ा लेकर के सरकार का अभिनंदन करते हैं। जब हम सरकार में आए कि राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, राज्य के लिए कैसे काम किया जाएगा समझ में नहीं आता, कि लोग ने ठेका टेंडर के नाम पर तो दुनिया भर का सारा पैसा खत्म कर दिया, बचा कहा। फिर हम भी कागज पत्र पलटे तो विशेषकर इस राज्य में जो 100 वर्ष से काम कर रही कोल इंडिया कंपनी के ऊपर राज्य सरकार का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया का हमने खोज के निकाला और भारत सरकार के पास जाके पहुंच गए कि हम बोले इतना आपका ऊपर हमारा पैसा निकलता है बकाया, हमको वो पैसा दो, हमको राज्य गरीबों को देना है।
पहले तो हाँ ना ही कहां से आ गया, कैसे आ गया, नहीं हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता, फलना ढमका चिमका दुनिया भर की बातें हुई। फिर जब हमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे से हमारा पैसा निकलता है, तब धीरे धीरे पैसा लोगों ने देना शुरू किया। जब हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार क्या बात करते हो, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? जात धर्म के नाम पर वोट नहीं करना है। झारखंड के मान सम्मान, झारखंडियों के मान सम्मान के लिए वोट करना है। अपने बाल बच्चों की सुरक्षा, आपका खेत खलियान जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वोट करना है। इसलिए इन मुखौटाबाजों से दूर रहिएगा। ये लोग कभी चाचा बन के, काका बन के, दादा बन करके, भाई बन के आपके बीच में आएंगे और आपको अलग अलग तरीके से दुहाई देकर के आपसे वोट लेने का काम करेगा।